السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, हम discuss कर रहे थे fertilization. Fertilization में हमने previous lecture में discuss किया blocked polyspermy. हमने बताया था कि polyspermy क्या है. Polyspermy means the entry of more than one sperm into the secondary oocyte. But this does not happen. ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो chromosome number को disturb करेगा. तो ये कैसे प्रिवेंट करें. एक मेथड हम इसमें पढ़ा, दैट इज कॉर्टिकल रिएक्शन. कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है? एक्सोसाइटोसिस ऑफ कैल्शियम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. अपने हमने बताया था ये सेकेंडरी ऊसाइट है. सपोज दिस इज इट इज कोरोना रेडिएटा है ये. तो ये है जूना पेल्यूसिडा. ओके, तो ये मान लें ये हमारा सेकेंडरी ऊसाइट है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो जस्ट बिलो द दिस जूना पेल्यूसिडा देयर आर दिस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. हमने बताया था कि स्पर्म को इसमें एंटर होने के लिए, सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर एंटर होने के लिए बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करना है. कोरोना रेडिएटा से होके गुजरना है, जूना पेल्यूसिडा से होके गुजरना है. तो एक तो ये बात है. दूसरा कि अब फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही स्पर्म चाहिए, एक से ज्यादा स्पर्म सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए. उसको कहते हैं पॉलीस्पर्मी. पॉलीस्पर्मी को कैसे ब्लॉक करें? तो हमने बताया कॉर्टिकल रिएक्शन. कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है? ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, लोकेट होते हैं जस्ट इंफीरियर टू दिस जूना पेल्यूसिडा. ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो एक तो वो ZP3 रिसेप्टर्स को इनएक्टिवेट करते हैं. ओके, तो और उसकी वजह से जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है दैट रिलीजेस कैल्शियम आयोनस. वो रिलीज करता है कैल्शियम आयोनस. सो ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयोनस ये स्पर्म्स जो है वो उसके बाद वंस एक स्पर्म एंटर हुआ सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर तो दूसरा स्पर्म सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा. इसको कहते हैं स्लो ब्लॉक्ड पॉलीस्पर्मी. सेकंड हमने पढ़ा जूना रिएक्शन. जूना रिएक्शन में हमने बताया कि जब ये स्पर्म रिसेप्टर्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं या ये हम कहेंगे लॉस्ट हो जाते हैं. जूना पेल्यूसिडा क्या होता है? इट हार्डनस. ये अब हार्ड बन जाता है. इट विल नॉट अलो एनी अदर स्पर्म एंटर इन टू द सेकेंडरी ऊसाइट. ये बनाता है, हम कह सकते ये बनाता है अब फर्टिलाइजेशन. इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में व्हाट इज एम्फीमिक्सिस. क्योंकि एक बार जब स्पर्म एंटर हुआ सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर, अब हमारा स्पर्म जो है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये एंटर हो गया सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर. जब ये सेकेंडरी ऊसाइट में दाखिल हुआ तो सबसे पहले जो इवेंट यहाँ होगा वो है कि जो हमारा सेकेंडरी ऊसाइट है, आपको याद होगा कि इट हैज नॉट येट कंप्लीटेड इट इज मियोसिस सेकंड. सबसे पहले ये अपना मियोसिस सेकंड जो मेटाफेज पे रुका था, कहाँ रुका था? मेटाफेज पे रुका, मेटाफेज सेकंड पे रुका था. वो सबसे पहले अपने मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करेगा. जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो यहाँ सेकंड पोलर बॉडी जो है, सेकंड पोलर बॉडी विल बी रिलीज्ड एंड इज इंस्टेंटली डिजेनरेटेड. ओके, ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, डिजेनरेट हो जाता है. देन न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है इनसाइड द स्पर्म हेड वो बनाता है मेल प्रो न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है इन द स्पर्म हेड वो डेवलप होता है इनटू मेल प्रो न्यूक्लियस. ओके, इसी तरह जो फर्टिलाइज्ड ओवम का न्यूक्लियस है वो बनाता है फीमेल प्रो न्यूक्लियस. एक बार जब ये प्रो न्यूक्लियस बन गई, मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस, स्पर्म का प्रो न्यूक्लियस और ओवम का प्रो न्यूक्लियस जो है, एक बार जब ये बने तो ये फ्यूज हो जाते हैं. ये बनाते हैं अब सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस. ये बनाते हैं अब सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस. तो इसको कहते हैं हम फर्टिलाइज्ड ओवम. इसी को कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम. और फर्टिलाइज्ड ओवम का नाम है जाइगोट. क्या है अब सिग्निफिकेंस? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ
दिस फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस, उसका फायदा क्या है, इसकी अचीवमेंट्स क्या है. नंबर वन, रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स. रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, एक सेट मैटरनल साइड का, एक सेट पैटर्नल साइड का, तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम रेस्टोर हो जाता है. सेकंड, डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स. फर्टिलाइजेशन ही इसी प्रोसेस के जरिए ही डिटरमाइन हो जाता है सेक्स ऑफ द बेबी. थर्ड, इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज डिवीजन. जब ही जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तब ही क्लीवेज डिवीजन शुरू होगा. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो सेकेंडरी ओसाइट जो है ये डिजेनरेट होगा विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर अंदर ये डिजेनरेट होगा अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट क्या करेगा, वो कंप्लीट करेगा मियोसिस सेकेंड एंड रिलीजेस द सेकेंड पोलर बॉडी एंड डेवलप्स इनटू अ फर्टिलाइज्ड ओवम नोन एज जायगोट. थैंक यू.